गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और आप सभी कैसे? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम पार्ट 8 जंगल की सैर का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम करेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है? सो सभी अपनी नोटबुक टेकआउट करो और लिखना शुरू करो। क्या है? हमारे घर किसके बने होते हैं? हमारे घर किसके बने होते हैं? उत्तर, हमारे घर घर ईंट पत्थर सीमेंट आदि से, ईंट पत्थर सीमेंट आदि से बने होते हैं। खैर, पक्षी अपने घोंसले किससे बनाते हैं? पक्षी अपने घोंसले किससे बनाते हैं? पक्षी अपने घोंसले किससे बनाते हैं? पक्षी अपने घोंसले पेड़ अपने घोंसले पेड़ तिनके घास तथा सूखे पत्तों से बनाते हैं। नंबर गया, कौन कौन से जानवर घन बनाकर नहीं रहते? कौन कौन से जानवर घर बनाकर नहीं रहते हैं? कौन कौन से जानवर घर बनाकर नहीं रहते हैं? हिरण, हाथी, बंदर। हिरण, हाथी, बंदर आदि जानवर अपना घर बनाकर नहीं रहते हैं। घर, गाय, भैंस, भेड़, बकरी कहाँ रहते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी कहाँ रहते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी बाड़े में रहते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी बाड़े में रहते हैं।
बाड़े में रहते हैं। बाड़े में रहते हैं, ठीक है। प्रश्न तीन, सही शब्द चुनकर, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। नंबर वन, हिरण आते जंगल में डैश बनाकर घूमते हैं। हिरण व हाथी जंगल में डैश बनाकर घूमते हैं। एक तो है झुंड और एक है घर, तो क्या बनाकर रहते बेटा? झुंड, झुंड बनाकर घूमते हैं, ठीक है। नंबर दो है कछुआ पानी और डैश दोनों जगह पर रहता है। कछुआ पानी व कछुआ पानी और डैश दोनों जगह पर रहता है। एक तो है जंगल और एक है जमीन, एक तो है जंगल और एक है जमीन, तो सबको पता है कछुआ पानी और जमीन दोनों जगह पर रहता है। नंबर ग है भैया का घोंसला, भैया का घोंसला पेड़ पर डैश रहता है। अटका या लटका, तो लटका रहता है, लटका रहता है, ओके। नेक्स्ट गै है चूहे खरगोश, चूहे और खरगोश डैश बनाकर रहते हैं। एक है बिल और एक है घर, तो क्या बनाकर रहते बेटा? बिल। नेक्स्ट आपका अने जंगल डैश प्राणियों का घर है। एक या अनेक, तो अनेक प्राणियों का घर है, अनेक प्राणियों का घर है, ठीक है। बुक्स एक्सरसाइज है आपका
इस बुक्स एक्सरसाइज में आपको आपके एक्सरसाइज फिल करनी है, जो है भाषा की बात, भाषा की बात, भाषा की नंबर वन कै घोसला घोसले कच्चा कच्चे खोखला खोखले प्यारा प्यारे पत्ता पत्ते बाड़ा बाड़े तिनका तिनके पक्का पक्के। ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है, इसको आपको खुद को फिल करना है। जैसे मोर नाच रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, मछली पानी में तैर रही है, चिड़िया उड़ रही है, बंदर पेड़ पर उछल रहा है और बारहसिंगा दौड़ रहा है। ये आपको खुद को करने हैं। अब नेक्स्ट पेज में आपको आपके लिंग बदलो है, बंदर को बंदरिया से मैच करना है, शेर को शेरनी से, हाथी को हथनी से और चूहा को चूहिया से मैच करना है। और दूसरे में आपके हैं पेज नंबर 71 में है, पेज नंबर 71 में है पशु पक्षियों की बोली, ठीक है। तो कौवा क्या करता है, काव काव। मेंढक क्या करता है, टर्टर। बिल्ली क्या करती है, म्याऊ म्याऊ। चिड़िया क्या करती है, चीची। और बंदर क्या करता है, बंदर क्या करता है, खिर खिर। तो आपको ये अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पाठ 8 खत्म होता है। इसके अंदर आपको सबसे पहले पाठ के अंदर चित्र बनाओ, जो मैंने आपको कल दिया था जंगल का, वो बनाना है। उसके बाद शब्दार्थ करने, उसके बाद प्रश्न उत्तर करने और उसके बाद आपको रिक्त स्थान करने हैं और बाकी एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।